हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर बेसिक किस तरह अपडेट करते हैं ये अधिकतर एम्प्लॉयज़ को पता है, बट अब क्या हो रहा है कि बेसिक चेंज करते टाइम जो एम्प्लॉय का HRA है वो जीरो हो जाता है एंड एक जो अपडेट करते हैं फाइनल में हम उसको पे डिटेल को, तो एक एरर देता है वो हमें। तो उसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ आज। यहाँ पे हमें सबसे पहले IFMS 3.0 पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको सबसे पहले एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है, पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करना है। ये तो सभी को पता ही है कि इसके लिए सबसे पहले वर्क फ्लो कन्फिग्रेशन में जाके आपको मेकर चेकर अप्रूवर बना लेना है एंड जो रोल है आपका वो अप्रूवर ही सेलेक्ट करके करें डायरेक्ट, तो बार बार आपको मेकर चेकर से रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे सामने एम्प्लॉयज के नेम शो हो चुके हैं। अब हम जिस भी एम्प्लॉय की यहाँ पे बेसिक में चेंज करना है उसके लिए मॉडिफाई बटन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। बेसिक चेंज करने के लिए हमारी फर्स्ट प्रोसेस रहती है यहाँ पे जो L है यहाँ पे उसको चेंज करेंगे। जिस भी पे स्केल में वो आया है बेसिक चेंज करनी है उसकी यहाँ पे आगे की स्टेप खुल जाएगी, वो सेलेक्ट कर लेंगे एंड जो HRA है वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे रीकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। रीकैलकुलेट पे क्लिक करते ही क्या होता है, अब आप देखिए यहाँ पे HRA है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्लू टिकिंग में देखिए आप जीरो आ रहा है, ग्रॉस अर्निंग भी जीरो आ रही है, ऊपर का टोटल भी जीरो आ रहा है। आप यहाँ अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको एक एरर दे देगा एंड वो एरर सॉल्यूशन नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ इस चीज को सही करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है एक सैंक्शंस का, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सैंक्शंस में जाके आपको सैलरी सैंक्शंस में जाना है, उसके बाद अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल में जाना है। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर ये आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे जो भी एम्प्लॉय हमारे सामने शो हो जाएंगे। एम्प्लॉय शो होने के बाद हमें उस एम्प्लॉय को देखना है कौन सा एम्प्लॉय था वो, तो उसको यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे पहले उसकी पे डिटेल देखिए आप क्या आ रही है। एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके अभी यहां हमारे सामने उसका HRA भी आ रहा है, DNS अलाउंस भी आ रहा है एंड सारी चीजें जो है वो हमारे सामने यहां शो हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहां पे इसको यहां से क्रॉस करेंगे एंड जो इनिशिएट बटन है इस पर हम यहां पे क्लिक करेंगे। इनिशिएट बटन पे क्लिक करने के बाद इसकी बेसिक डिटेल आपके सामने ओपन होगी, इसको थोड़ा सा ओपन करना है। आप यहाँ देखेंगे बेसिक पे आ रही है, DNS अलाउंस आ रहा है, HRA आ रहा है। HRA के सामने आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल HRA को डिलीट करना है। HRA आप डिलीट करेंगे ये मैसेज देगा, आर यू श्योर वांट टू रिमूव सेलेक्टेड अलाउंस, तो आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे वापस से मैसेज देगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको फिर वापस से यस कर देना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे थोड़ी ही देर में यहां से HRA डिलीट हो जाएगा। यहां हम देखेंगे अब वापस से चेक करेंगे कि उसके एम्प्लॉय की जो HRA है वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। वापस से हम यहां पे उस एम्प्लॉय को देखेंगे, उस एम्प्लॉय के नेम पे जाएंगे वापस से सर्च करके। अब यहाँ उसके वापस से इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे उसका HRA यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब यहाँ से HRA डिलीट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, वापस से पे एंटाइटलमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाएंगे, मॉडिफिकेशन पे जाएंगे एंड पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे एंटाइटलमेंट पे जाएंगे उस एम्प्लॉय को वापस से हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके एम्प्लॉय को सर्च करेंगे एंड वापस मॉडिफाई बटन पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे अब हमें क्या करना है, जो लेवल है पे स्केल है उसे चेंज करना है। जो हमारी पहले की प्रोसेस थी बेसिक चेंज करने की वही करेंगे। यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करेंगे, DNS अलाउंस सेलेक्ट करेंगे, HRA सेलेक्ट करेंगे। HRA जो भी है 9, 18, 27 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आपके अकॉर्डिंग जो भी नियम के तहत आता है वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप रीकैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे। अब रीकैलकुलेट बटन पे क्लिक कर रहे हैं हम, पहले जब हमने रीकैलकुलेट बटन पे क्लिक किया था HRA डिलीट करने से पहले तो वहां पे HRA जीरो आ रहा था। अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि HRA हमारा यहाँ पे
जीरो आ रहा है या पूरा अमाउंट आ रहा है जो हमने यहाँ पे 9% लिया है। इसको स्क्रॉल करेंगे, अब थोड़ा स्क्रॉल करते ही आप देखिए यहाँ पे जो आपका एचआर है यहाँ सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बेसिक है वो अब सक्सेसफुली यहाँ से चेंज हो जाएगी। एंड आप अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल पे आराम से क्लिक कीजिए, सारी कैलकुलेशन चेक कीजिए। एंड किसी भी एम्प्लॉय की अगर बेसिक चेंज करने में आपको एरर आ रही है, एचआर जीरो आ रहा है, तो आप इस प्रोसेस को यहाँ से फॉलो कीजिए। एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, इस तरह के वीडियोज़ के। एंड आपको फाइनली यहाँ पे अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज मांगेगा, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे बेसिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे पेज अभी लोड हो रहा है, थोड़ा इशू है, बट आप यहाँ पे जब नेटवर्क अच्छे से आएगा आपके पास तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब एचआरए आ गया है तो यहाँ पे अपडेट पे एंटाइटलमेंट में आपकी बेसिक 100% चेंज हो जाएगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि हमारी जो बेसिक चेंज करने में एरर का आ रहा है, जो हमारा एचआरए जीरो आ रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है। तो इस तरह आप आपके यहाँ पे बेसिक चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।